नाउ सबसे पहले तो आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सब लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बारे में तो ऑलरेडी पता ही है। ओके तो और मुझे अपने बारे में बोलना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। ओके ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे क्लास होते चले जाएंगे फिर आपको और ज्यादा पता चलेगा। तो दूसरी चीज, आप यहाँ पे लामा फेरा सीखने के लिए आए हैं, मेरे बारे में जानने के लिए नहीं आए हैं। तो मैं केवल लामा फेरा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस देना चाहूंगा। आई लाइक टू गिव मोर फोकस ऑन द लामा फेरा। ओके दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटीज। पहली चीज तो बस मैं इतना ही बोलूंगा। ओके और दूसरी चीज ये भी है कि ऑल्दो देर आर मैनी मीटिंग टीचर्स वो आर टीचिंग लामा फेरा अवर हियर इन इंडिया, बट आवर कोर्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। हमारी कोर्स में और उनकी कोर्स में आकाश जमीन की फर्क है। आई नो, आई मीन दिस इज नॉट अबाउट द चार्जेस, दिस इज अबाउट द कंटेंट इन साइड एंड आई बिलीव दैट। ओके कोई लामा फेरा रोग पहनने से लामा नहीं बन सकता। उसके लिए लामा बनने के लिए सचमुच में क्या उसने गुम्बा में जाके बैठा है, क्या उसने भिक्षुओं के साथ तपस्या किया है नहीं किया है, या फिर वहां के बेसिक जो जो चीज को उसने जाना है नहीं जाना है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो होती है। एंड आई डोंट वांट यू टू बी सर्टिफाइड ऑफ आई मीन समथिंग लाइक दिस। ओके आई वांट, ओके द मून डजंट नीड अ सर्टिफिकेट, ओके द सन डज नॉट नीड अ सर्टिफिकेट। आई वांट यू टू बी लाइक अ मून, और आई वांट यू टू बी लाइक अ सन। आई डोंट वांट यू टू जस्ट बिकम अ सर्टिफाइड। क्लियर है ना? तो मेरा मोटो ये है कि आप केवल सर्टिफिकेट के लिए लामा फेरा कर रहे हो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज आई मीन दिस जर्नी ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 weeks विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। आई एंड माय टीम विल इंश्योर, ओके ऑल ऑफ यू विल डू योर होमवर्क विदाउट अ होमवर्क, ओके विदाउट कंप्लीटिंग ऑल ऑफ देम, ओके आई एम नॉट गोइंग टू गिव द सर्टिफिकेट फॉर ऑल ऑफ। इवन जब तक आपकी होमवर्क फिनिश नहीं होगी, ओके मैं आपका अटोनमेंट भी दूंगा नहीं। ओके आर यू क्लियर नाउ? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई वांट दैट कमिटमेंट फ्रॉम यू। मुझे आपसे वो कमिटमेंट चाहिए कि यू शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लामा फेरा मास्टर दैट इज आई मीन राइट नाउ इन द मार्केट। अगर लामा लामा की नाम लेना है, ओके लामाओं के साथ रहना है, उनसे कुछ सीखना है, तो एटलीस्ट 1% लामा की गुण आपके अंदर भी आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? धैर्यता। क्या चीज होती है? धैर्यता। अगर वो धैर्यता नहीं है हम कभी भी उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। और क्या अपने आप को उस परिस्थिति में हम काबू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट अ स्लेव ऑफ देयर इमोशंस एंड इमोशंस, ओके दैट कैन बी चेंज एवरी सेकेंड। हमें उस इमोशंस के स्लेव नहीं बनना है, मगर इमोशंस को अगर हम स्लेव बना सकते हैं सो हमारी जो जर्नी उस तरफ है। एंड आई वॉन्ट दैट कमिटमेंट फ्रॉम यू। ओके मुझे वो चीज चाहिए कि आपके माध्यम से वो कमिटमेंट हो आपके तरफ से। दूसरी चीज, ओके हम जब पहली बार अपने गुरुओं के साथ रहते थे, ओके ऐसा चीज नहीं है कि आपको हर रोज आई मीन डिफरेंट चीज डिफरेंट मंत्र या फिर डिफरेंट प्रक्रिया फिर डिफरेंट मेडिटेशन सिखाया जाए। नो, व्हेन यू आर विद आवर गुरु दे टीच अस ओनली वन थिंग and we have to do that for at least 1 year, 2 year, 3 year. They did not teach us so many things. They teach us only one thing, and we have to do that each and every day. Practice that each and every day. And I want the same type of commitment from you. I know maybe while doing the Lama Fera Mantra or while doing all this process, okay, you may take extra 30 minutes or 1 hour of your everyday life. But remember one thing,
21 दिन कम सोने से आपके लाइफ में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट वंस दिस मंत्र ऑल दिस सिंबल्स बिकम अवेकन फॉर यू, अगर वो एक बार आपके लिए अवेकन हो जाते हैं, दिस थिंग कैन हेल्प मिलियंस ऑफ अदर पीपल. दूसरी चीज, ओके, अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग्स अबाउट द लाइफ. इट इज बेटर टू प्रूव पीपल बाय योर एक्शन मोर देन योर वर्ड्स. सो इफ यू आर डूइंग इट, ओके, दैट कैन बी सॉन फ्रॉम योर ऑरा. इफ यू डिड इट रेगुलरली, दैट कैन बी सॉन फ्रॉम योर बिहेवियर. इफ यू डू दिस रेगुलरली, सो दैट कैन बी क्लियरली, ओके, सीन फ्रॉम योर हैबिट्स. You don't have to tell us either you have done it or not. If you are doing it, okay, you can 100% feel the difference in your life. उतना तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जो भी प्रोसेस सिखाया जाएगा ये आपके जीवन को बदल सकता है. केवल आपकी जीवन को नहीं, ये आपके पास या फिर आपके साथ जो हजारों लोग बाद में जुड़ने वाले हैं उन लोगों की भविष्य को बदल सकता है. Second important thing. Now we just are coming out of the pandemic. हम इस विषम परिस्थिति से ऊपर निकल के आ रहे हैं. And more than 35 crore people here in India, they has lost their job. 35 crore से ज्यादा लोगों ने अभी ये भी अपने जॉब को उन्होंने लॉस्ट किया है. Many people had committed the suicide, and hundreds of people, thousands of people has died during this pandemic. All these people, all their friends, all their family has gone through the traumas. Abhi sabse jyada zaruri kiski hai? They need a real, true healer who can help them, who can guide them, who can help them to come out of that situation. Samajh lijiyega, if you can become a good healer, theek hai na? You will be earning on a millions. Aap करोड़ों रुपए कमा भी सकते हो यहां पे. ओके, द टूल्स दैट यू विल बी गेटिंग, जो टूल्स जो आपको मिलने वाला है, दैट टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन हेल्प अस. इफ यू मिसयूज इट, दैट कैन हार्म अस. जो टूल आपको मिलने वाला है, जो हथियार आपको मिलने वाला है, वो आप अच्छी तरह से काम करोगे तो बहुत लोगों की भलाई होगी. अगर उस टूल को अगर आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करोगे तो उससे लोगों की हानि भी हो सकती है और आपकी हानि भी हो सकती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वॉन्ट योर सीरियसनेस फॉर दिस. आई वॉन्ट यू टू बी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन. एटलीस्ट I want your commitment for at least 30 to 1 hour a day for next 21 days. Aur zyada to nahi kyunki yahan pe aap logo ko gumma mein rakhne ki prachalan nahi hai. In Nepal or on when you go to the Buddhist monarchies and before becoming the disciple, before doing such thing, you have to go through the process of at least that is more than a vipassana. More than a vipassana means during the vipassana you can see other people. During the vipassana at least there are other people with you, but during the process of that gumba, what you need to do, you will be staying in a one room. You cannot hear other people, you cannot see them, you cannot talk with them, and nothing for next 6 months. You have to go through that very, very hard process. And believe me, first 1 month is gonna be crazy. Pehli ek month, that will drive you crazy. How you can live alone on a room or a cave while only chanting the mantras, while only doing the meditation all the time, and you cannot even talk with other people. You cannot even see them. You cannot even use any gadgets.
So that type of training every lama has to go through. That type of training a yogi has to go through to become a yogi. So यहाँ पे हम लामा फेरा सीख के हम लामा बनने के लिए नहीं आए हैं. अभी हमारी जो लामा फेरा की कोर्स है ये आपको लामा बनाएगी नहीं, बट एटलीस्ट दैट कैन गिव यू द टूल्स जो लामाओं के पास होते हैं. ओके, एटलीस्ट यू कैन स्टिल हेल्प थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल. यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा प्रचलन ऐसा आ गया है कि लामा फेरा सर्टिफिकेट देने से आप लामा बन गए, लामा फेरा की रोब रोब पहनने से लामा बन गए, तो उस प्रकार की चीज ना. ओके, दैट इज कम्प्लीटली उस प्रकार की चीज नहीं है. अगर सर्टिफिकेट होने से ओके लामा बन जाते ना, या फिर रोब लगाने से लामा बन जाते ना, तो आज संसार की जो विषम परिस्थितियां हैं ऐसी होती नहीं. इट इज अबाउट द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हार्ड ईच एंड एवरी डे, ट्रेनिंग 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 अगेन. एंड आई नो ओके, सो दिस इज नॉट इजी एट द फर्स्ट टाइम, पहली बार में. एंड दैट इज एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीटली नेचुरल. डोंट पुश योरसेल्फ, आपको अपने आप को पुश करने की भी जरूरत नहीं है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद द जर्नी ऑफ अदर पीपल. अपनी जीवन की जर्नी को या फिर अपनी यात्रा को दूसरे के साथ आप कंपेयर मत कर लीजिएगा. Buddha was here for a different reason. Krishna was here for a different reason. Ram was here for a different reason. Jesus was here for a different reason. And you are here for a completely different reason. Don't be their copycat. Unki copycat banne ki zarurat nahi hai. You don't know, okay, about other people's journey. You don't know about their background. You don't know about their culture. You don't know about their mindset. You don't know what they had gone through on their life. So, यहाँ पे हो सकते हैं कि मेनी टाइम्स ऑन मेनी क्लासेस दे विल शेयर यू अबाउट देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड यू मे फील दैट ओके योर एक्सपीरियंसेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड प्लीज डोंट आस्क व्हाई माय एक्सपीरियंस इज डिफरेंट देन देम. नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल. आपको अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और उस तरीके से कंपेयर नहीं हो सकता. Few rules हमारे admins ने already आपको भेज दिया है ग्रुप में. During this class, all your videos should be on. If video is off, okay, हम आपको प्यार से okay ग्रुप से धक्का देके बाहर रख देंगे और बाद में आपको वीडियो भेज देंगे. ठीक है ना, क्लियर है ना. Second चीज, when you are on a class, okay, you can take tea or coffee or a water, but you are not allowed to eat. चाय कॉफी आप ले सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, ओके, बट यू आर नॉट अलाउडेड टू ओके आई मीन ईट समथिंग ऑन अ क्लास. नेक्स्ट थिंग, इफ यू आर लाइंग ऑन द क्लास, ओके, तो नेक्स्ट टाइम से आपको क्लास में अलाउडेड नहीं किया जाएगा. इफ योर वीडियो इज गना बी ऑफ, ओके, देन यू विल बी इन्फॉर्म ओके विद अस ओके टू आवर एडमिन. पहले से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आज आपकी किस रीजन से वीडियो ऑफ होने वाली है. Otherwise, okay, that person will be counted on a blacklist. So that next time से हम क्लास में अलाउड नहीं करेंगे. आपको वीडियो तो प्रोवाइड किया जाएगा, बट ओके देर इज अस सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी सीरियस विद अस. अगर आप सीरियस नहीं हो, ओके, किसके लिए? आपके लिए. So let me see if all the videos is on or not. Okay, and video on nahi hai. Okay, so I request if there is something to say, Swamiji, please. आप कोशिश कर दीजिएगा, अगर कुछ है तो बोल दीजिएगा. Hello. फर्स्ट ऑफ ऑल आज पहला दिन, सबको स्वागत है. सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल ही दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ग्रुप पे सारे इंफॉर्मेशन हम पहले से डाल देते हैं, एवरी इंफॉर्मेशन पोस्टेड इन द ग्रुप इन एडवांस कि व्हेन विल बी देयर क्लास, कब क्लास है, कितने बजे क्लास है. तो वी रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट
ग्रुप के पिंड मैसेज सारे अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको ही बाद में ना दिक्कत हो कि कब क्लास है, मुझे तो छूट गई। और ऑलमोस्ट 130 पीपल है, अगर सब हमें पर्सनली पूछे तो ग्रुप चलाना बहुत मुश्किल है। फॉर द स्मूदर रनिंग ऑफ द ग्रुप हम इसीलिए सारे मैसेजेस ग्रुप पे डालते हैं, उस मैसेज को फॉलो कीजिए तो आपको भी आसानी होगी और हमें भी चलाने में, इस वर्कशॉप को अच्छे से रन करने में आसानी होगी। इसके बाद आज फर्स्ट क्लास के बाद एक डिस्कशन ऑन होमवर्क ग्रुप भी दिया जाएगा सबके लिए। वो ग्रुप ज्वाइन करना इज अ मस्ट थिंग, बिकॉज जो भी होमवर्क दिया जाएगा, जैसे आज का मेडिटेशन हो या बाकी आगे जो सिंबल्स आएगा, मंत्र आएगा, सब कुछ उस ग्रुप पे आपको करके पोस्ट करना है। जिनका होमवर्क पोस्ट नहीं होगा उनको अटूनमेंट नहीं मिलेगी। पहले दिन ही सर भी क्लियर कर दिया, और ये हमें भी, क्योंकि दिस इज अ वेरी सीरियस प्रैक्टिस, एक एनर्जी हीलिंग। आप जब तक ना खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अट्यूनमेंट के टाइम वो एनर्जी आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करें। तो होमवर्क नहीं कंप्लीट करके आपको अट्यूनमेंट नहीं मिलेगी, ना सर्टिफिकेट मिलेगी, ना एडवांस में आप एनरोल हो सकते हैं। वी होप कि आप लोग ये सारा प्रोसेस सीरियसली फॉलो करेंगे। मुझे बस इतना ही बोलना था, ज्यादा लेक्चर में नहीं दूंगी। थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट। आई वांट यू टू मेक योर बैकबोन स्ट्रेट। योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। गहरी लंबी सांस। Take a deep breath. Now I want you to focus on your root chakra. अपने root chakra के ऊपर focus करें. Focus on your root chakra. Root chakra means, okay, that is on the back of your spine, on the lower base of your spine. I just want you to focus on the base of your spine. Your all focus or your all intention. आपकी पूरा का पूरा focus, पूरा का पूरा जो ध्यान अपने रूट चक्र में, अपने मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। कल्पना कर लीजिएगा कि देयर इज अ रेड कलर ट्रायंगल। इमेजिन दैट देयर इज अ रेड कलर ट्रायंगल ऑन योर रूट चक्र, एंड दैट रेड कलर ट्रायंगल इज फेसिंग डाउनवर्ड, एंड लुकिंग एट दैट रेड कलर ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ योर स्पाइन। I want you to chant Kaski Kali, Kaski Kali, Kaski Kali for next 3 minutes. Kaski Kali, 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 Kaski Kali,
For 1 minute, make it little more faster, little more speed. Now, I want you to imagine that आप कल्पना करें कि from your root chakra, आपकी मूलाधार चक्र से from the base of your spine, from the base of your spine, from the red color triangle, a red color is coming, the color of the blood that is coming, and that is increasing. आपके रूट चक्र से, आपके मूलाधार चक्र से लाल कलर की, लाल रंग की, लाल कलर बढ़ रहा है और कल्पना करें कि आपका सारा शरीर लालमय हो रहा है. Your whole physical body is becoming completely red. I want you to think that every part is increasing, becoming red. Every part that is becoming red.
हर चीज रेड हो रही, हर चीज लाल हो रही। That the red color is increasing, each and every part is becoming red, every cell that is becoming red, every bones that is becoming red, har cheez har part red ho raha hai. Kalpana kare ki slowly योर रूम इज बिकमिंग रेड, आप जिस रूम में बैठ रहे हैं वो भी रेड है। कल्पना करें कि इमेजिन दैट योर सोसाइटी इज कंप्लीटली चेंज्ड टू द रेड। Imagine that your whole country has become red. आपका पूरा का पूरा देश रेड हो गया है। और कल्पना करें कि नाउ कंटिनेंट एंड दिस अर्थ हैज बिकम कंप्लीटली चेंज्ड टू द रेड। सारा का सारा ब्रह्मांड रेड हो रहा है एंड दिस रेड कलर इज इंक्रीजिंग। कल्पना करें कि हर तरफ चारों तरफ आप केवल रेड ही कलर को देख रहे हो। यू कैन सी दिस रेड कलर ऑल अराउंड यू, यू कैन फील रेड एवरी व्हेयर, यू कैन इवन हियर द साउंड ऑफ रेड। स्लोली मेक दिस सोलर सिस्टम कंप्लीट इनटू द रेड। सारा का सारा सोलार सिस्टम को भी रेड कर दीजिएगा।
सोलर सिस्टम से ऊपर मिल्की वे गैलेक्सी को भी रेड कर दीजिएगा. नाउ दिस सोलर सिस्टम इज बिकमिंग रेड एंड द मिल्की वे गैलेक्सी इज बिकमिंग रेड. आई वांट यू टू थिंक दैट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज कंप्लीटली रेड. एवरीथिंग इन एंड आउट, एवरीथिंग इनसाइड यू एंड एवरीथिंग आउटसाइड यू, जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है, सब चीज रेड में है. एवरीथिंग इज रेड. Now, कल्पना करें कि यू आर इनहेलिंग द रेड कलर एंड यू आर एक्सेलिंग द रेड कलर. आप अंदर भी रेड कलर को लेके आ रहे हो और बाहर भी रेड कलर को ही छोड़ के जा रहे हो. योर ऑरा इज कंप्लीटली रेड, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, एवरीथिंग हैज बिकम वन एंड इज कंप्लीटली रेड. हर चीज शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, हर चीज इज रेड. Everything in and out, everything is red. You are inhaling the red and you are exhaling the red. आप रेड को ही इनहेल कर रहे हो और आप रेड को ही एक्सेल कर रहे हो. Now, I want you to inhale more faster and exhale more faster. थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा.
make your inhale and exhale more faster. Everything should be red. In red, out red. In red, out red. You can see that red is coming and you can see that red is going. You can feel that you are getting more and more red. And you can feel that, okay, that the red is going out of you. You can hear the sound when the red is coming inside you, and you can hear the sound when red is going outside you. Each and every part, each and every cell that is completely red. Inhale more faster. Little more faster. Just for 1 minute, little more fast. Yes. In out, 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 in out. Under bar, 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 under bar. Now relax yourself. Relax yourself. Still close your eyes. Aankhe band. Inhale the red and exhale the red. Lambi gehri saans. निखिलेश्वराय कलणैते नमो नमः नमस्ते रुद्र रूपिणै ब्रह्ममूर्ते नमो नमस्ते कलेशहारिणे मंगलाय नमो नमः हरति सर्वव्याधीनां श्रेष्ठरिषे नमो शिष्यतवीसनासिन्नै मूर्तायै नमस्तुते तिर्विदतापसंहरते ज्ञानदात्रे नमो शांति सौभाग्यकारिण्यै शुद्धमूर्ते नमस्तुते क्षेमावत्ते शुद्धावत्ते तेजवत्ते नमो नमः नमस्ते मन्त्ररूपिणै तन्त्ररूपिणै नमस्तुते ज्योतिषं ज्ञानवैराग्यं मूढविद्धे नमो नमः एदं पठते स्तोत्रं शृणुयात शर्धानवितं सर्वपापविमोचन्ते सिद्धयोगे संभवे निखिले सूर्यपंचक नित्ययो पठते नर सर्वान् कामान् भाप्नोति सिद्धाश्रमम् वाप्नुयातः। ओम।
want you to now rub both of your hands while still closing your eyes. Aankhein bandh hi rakhiyega. And I want you to put that on your root chakra. Usko apne root chakra mein lagaye, muladhara chakra mein lagaye. On the back of your spine. And again, rub both of your hands. Create a fire in your hand. I want you to put that in your eyes and your forehead. Looking at your palm, slowly open your eyes. अपने हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखें खोलें. इसको अब आपको रेगुलरली वो करना है, आपको मेडिटेशन करना है. दिस इज अ वेरी सिंपल ओके बट देयर इज वेरी इफेक्टिव मेडिटेशन. अभी इसके पीछे का रीजन आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी के लिए. क्योंकि हमें सबसे पहले तो जो लाइफ की अप एंड डाउन है ओके उसको एक बनाने की जरूरत है. यू हैव टू एवरीथिंग शुड बी न्यूट्रल फॉर अस ओके व्हेन यू आर कमिंग टू दिस पाथ ओके दैट फॉर यू नो शुड बी गुड आई मीन नथिंग शुड बी गुड और nothing should be bad for you. कहने का मतलब है ओके आपको राइट या लेफ्ट या राइट या रॉन्ग ओके तो उसमें जाना नहीं है, आपको किस में जाना, बीच में जाना है. हमारे लिए एवरी टाइप ऑफ एनर्जी इज इक्वल इक्वल फॉर अस हर चीज के लिए. दोज हु हैव अ क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड ओके आप हैंड को रेज कर सकते हैं. यहाँ पे ना नीचे एक बॉटम है, देख लीजिएगा रिएक्शन में ओके एंड देर इज अ उस रिएक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेज हैंड का आप लोगों का ऑप्शन मिल जाएगा. देर इज अ स्मॉल बॉटम इन डाउन ओके इफ यू क्लिक ओवर दैट ओके देर इज अ ऑप्शन फॉर रेजिंग हैंड. इफ यू रेज दैट हैंड ओनली देन आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क समथिंग. हाँ जी बोलिए पूरी जी. पूरी जी एक कब करना है, सुबह या शाम को? सब एनी टाइम. हाँ जी बोलिए. मैंने अनम्यूट किया था किसी. हाँ जी हाँ जी बोलिए रंजीत कौर जी. सर बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेडिटेशन का, और मुझे लीजा ने बताया था. मैं देहरादून से हूँ सर, रेकी सीखी है, एंजल थेरेपी सीखी है, पर आपकी बहुत तारीफ सुनी है तो इसलिए मैं आपके साथ ही जुड़ना चाहती हूँ. और मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले भी आपके यूट्यूब में चलती थी लाइव वीडियो तो मैं वहीं से ही देखती रहती थी. आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, थैंक यू. वो जो सैटरडे काली साधना आपने की थी मुझे बहुत अच्छा रहा, ब्लॉकेज वगैरह मेरी खत्म हुई है. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर. यस सर. रेहान. हेलो. हाँ जी सर, नमस्ते जी. मैंने एक्चुअली मैंने भी रेकी किया है सेकंड डिग्री, और प्राणिक हीलिंग भी मैंने कर रखा है. और मुझे काफी अरसे से मुझे आपका एक वीडियो लगा, आपका और सोमी जी का शायद था वो वीडियो, पता नहीं. लेकिन उसमें मुझे एक चीज समझ में आया कि मुझ में कुछ है कि जिससे मैं बुद्धा से जुड़ सकता हूँ. मुझे ये हमेशा लगता है क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं बुद्धा से जुड़ सकता हूँ. तो इसलिए मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं जुड़ूं तो मैं जरूर मिलता हूं. और आपकी काफी सुना है मैंने, आपका वीडियोस देखा कि आप शैमनिज्म पे भी काम करते हैं और फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी सब पे काम करते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ जुड़ जाऊं. तो मुझे आप गुरु की तरह मतलब सिखाई है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपनी लाइफ में. सर आपने जब आंख बंद करके मेडिटेशन के लिए बिठाए थे ना, तो वृष्ट में और मेरे पाँव में बहुत जोर से पेन स्टार्ट हुआ था. ओके आप उसको कोशिश कर लीजिएगा सर, ग्राउंडेड कर दीजिएगा ओके
या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ना कैसे कर लीजिएगा पानी से ना और मार दीजिएगा, छिटा मार दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ जी सायली जी। नमस्ते सर। सर आपने अभी जो बोला वो मेडिटेशन रूट चक्रा से बिलोंग करता है, राइट? रूट चक्र तो स्टार्ट करना है। हाँ, तो ये हमने रोज रूट चक्र का मंत्र बोल के हम ये मेडिटेशन कर सकते 10-15 मिनट? क्यों नहीं, कभी भी कर सकते। यही होगा ना? नहीं, मैं क्योंकि मुझे नहीं समझा था इसलिए मैं पूछ रही। तो हम रोज 10-15 मिनट बैठ के रूट चक्र मेडिटेशन करके आपने जैसे बोला वो हाथों को आंखों और सर के ऊपर ओपन करना है, राइट? नहीं, मैंने अभी क्या बोला, इसको रूट चक्र मेडिटेशन नहीं बोलते, इसको रेड मेडिटेशन बोलते हैं। रेड का मतलब लाल कलर का, ठीक है ना? ओके, कि आपको अपने अंदर भी अपने बाहर भी कम्प्लीटली क्या देखना है, लाल चीज को देखना है, कम्प्लीटली हर चीज, सारा ब्रह्मांड को लालमय देखना है। और वो आप अंदर भी लाल ले रहे हो और बाहर भी लाल चीज। अनु सॉरी सर। हेलो सर। एक्चुअली मैंने तो पहले ही बोला था, जब मैंने लास्ट सेशन पर काली मेडिटेशन लिया था, बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील हुई थी। और मैं भी रेखी मास्टर हूँ, आपका ना मैंने फेसबुक पे देखा था, तो मैंने जिनसे रेखी सीखा मैंने उनसे कंसर्न किया कि लामा फेरा मेरे को सीखना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अनु इनसे बेटर कोई और सिखा ही नहीं सकता, अगर ये तेरे को सिखा, अगर तुझे ये चीज मिल रही है तो सिखा सीख ले। तो मैं उनके बिहाफ पे आई हूँ क्योंकि उनको बहुत ट्रस्ट है कि आपके जैसा लामा फेरा कोई भी परफेक्ट नहीं। वो कहते कि मैंने भी जिनसे सीखा बट मुझे वो चीज नहीं है जो इनके में। लोगों की बड़प्पन है कि ऐसे बोल देते हैं। ओके, नहीं तो मेरे अंदर उस प्रकार की क्वालिटी भी नहीं है, कुछ भी क्षमता भी नहीं है, ठीक है ना? जिसकी ना रियल नेम नहीं होंगे, ओके, अगर आपका प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज योर नेम। ओके, वन प्लस सेवन प्रो लिखा हुआ है, वीवो 9 1904 लिखा हुआ, प्लीज सर फर्स्ट चेंज टू योर ओरिजिनल नेम सर, सो दैट एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना? हेलो। हाँ नमस्ते सर। सर मैं नेम चेंज कर दूंगी बाद में। सर एक्चुअली मेडिटेशन करते टाइम मुझे बॉडी के राइट साइड में बहुत पेन हो रहा था, बैक में, सर में, और लेफ्ट साइड में अच्छा वाइब्रेशन आ रहा था सर, और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। अभी ना देखो, अभी गर्मी की सीजन है, थोड़ा सा पानी ज्यादा पिया करो, ठीक है ना? ओके, और मेडिटेशन को रेगुलरली कर लीजिएगा, ये सारे के सारे चीज चले जाएंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मैंने आप लोगों को बोला, दिल्ली 42 डिग्री, ओके, अगर आप अभी पानी नहीं पियोगे तो होगा क्या? सुनीता जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। जब भी आपने मुझे ट्रायंगल बोला था रूट चक्र पे, तभी इतना वाइब्रेशन हुआ कि पूरा नेवल, पूरा चेस्ट तक वाइब्रेशन जा रहा था, मतलब सर के ऊपर तक, और इतना अच्छा फील हुआ, एकदम रिलैक्स और एकदम हल्का लगने लगा बहुत। थैंक यू वेरी मच सर। गुनान अनम्यूट कर दीजिए सर। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा लगा था जब मैं रब करने का टाइम दोनों हाथ से, आई कैन फील द सेंसेशन ऑफ हीट, फायर सेंसेशन बहुत फील किया। इट इज रियली अ मिरेकल। बहुत 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 धन्यवाद सर। इट इज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। वंडरफुल सर। आज भूमिका जी। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग अस दिस रेड मेडिटेशन। एंड टू थिंग आई वांटेड टू आस्क, वन इज इट द मंत्र कास्की काली? Yes. So this and is the other thing I have. This is not the mantra. This is the name of a devi. Okay. जो मेरी पीछे खड़ी है ना, वो उनका नाम है, ठीक है ना? So says okay. My Ishta Devi. So everything, whatever I have learned, whatever I know. Okay. So that is just a blessing of her. Okay. And the other thing I wanted to know, while doing this meditation, we have to follow some diet
or is it normally whatever we eat? See, I'm a pure vegetarian, but do we have to follow the fast or any diet system? देखो फिलिश इज नाउ नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके आई विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चन आफ्टर दैट अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग लिसन टू मी वेरी केयरफुली सब लोग अच्छी तरह से सुन लीजिएगा अबाउट द डाइट ओके द नंबर वन थिंग इज देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर द फूड अब उसके पीछे का रीजन क्या है ओके आइदर यू कैन बी वेजिटेरियन यू कैन बी नॉन वेजिटेरियन उससे फर्क नहीं पड़ता ओके एंड ऑट तिब्बत ओके अगर आप कभी तिब्बत में गए होंगे या फिर व्हेन यू वेंट टू द हायर पार्ट ऑफ नेपाल ओके यू विल फाइंड आउट दैट दैट प्लेस इज कम्प्लीटली एज अ हिमालय पार्ट एंड नॉर्मली वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता ओके सो दे नीड टू ड्रिंक अल्कोहल टू मेक देमसेल्फ वार्म एवरी डे तो सुबह से ओके ऑलमोस्ट एवरी वन हु लिव देयर ओके दे विल टेक द अल्कोहल एवरी डे And since वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता ओके सो दे फीड themselves ऑन एनिमल मीट रियलिटी को समझ लीजिएगा ठीक है ना पहली चीज तो आप वेजिटेरियन हैं ओके तो मैं आप लोगों को सम्मान करता हूँ बट यहाँ पे फूड की रेस्ट्रिक्शन नहीं है ओके तो इसका मतलब ये है कि आप दारू के साथ भी ध्यान कर सकते हैं आप उसके साथ भी कर सकते हैं दैट इज अप टू यू कि आपको करना है या नहीं करना है तो फूड खाने से ना खाने से हमारे अंदर कुछ डिफरेंस हो जाती है ऐसी नहीं है बट क्या था कि पहले पीपल यूज टू वर्क आई मीन अलॉट सो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी थी अभी क्या है अभी आप तो एज अ लॉकडाउन के अंदर हो और फिर भी जो काम है उतना ज्यादा फिजिकल बॉडी को जो एक्सरसाइज चाहिए वो भी नहीं मिलता और ज्यादा जो आपकी आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत सारे चीज आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते People in the Himalaya, they walk more than 30 kilometers, 40 kilometers every day. So whatever they eat, they can digest that easily, faster. And you will see that, okay? And you will never see any monk or any people in the Himalaya who are, I mean, fat. Whatever they eat, usse na wo khane se unko fark nahi padta. That the most important thing is about here. Most important thing is either they are doing it purely or not clear hai everyone sikha ji sir isko other practice ke sath kar sakte hai jaise main abhi guided meditation karti hu aur reiki bhi karti hu to uske sath isko abhi regular kar sakte hai yes isi ke sath bhi aap kar sakte hain mansi ji हाँ सर मुझे ये पूछना था कि जो आप चक्र बोल रहे थे उसमें मुझे पता नहीं चल रहा था इट इज कंप्लीटली ओके बैक बोन का पता चला मुझे लेकिन ये ठीक है तो दूसरा जो आपने बोला था उसने दैट इज कंप्लीटली ओके अभी के लिए बस एक कर दीजिएगा कि जहाँ पे ना बैक बोन खत्म होती है ना नीचे जहाँ पे बैक बोन खत्म होती है उसको याद कर लीजिएगा ओके सो दैट इज ऑलमोस्ट द पार्ट ऑफ योर रूट चक्र ठीक है अभी तो हमारे चक्र के क्लासेस आना बाकी है अभी तक हमने चक्र के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है अगर आपको आप न्यू है आपको नहीं जानकारी दैट इज कंप्लीटली ओके सिद्ध नमस्ते सर आई एम फ्रॉम मुंबई मैसेल्फ सिद्धि सो सर मेरा एक ये डाउट था कि आई एम रेखी प्रैक्टिशनर ऑल्सो मैं लेवल 3 पे हूँ तो लामा फेरा की प्रैक्टिस और रेखी की प्रैक्टिस दोनों अगर करे तो कुछ इश्यू नहीं होगा जस्ट मुझे ये डाउट था किस चीज में देखो पहले समझ लीजिएगा ओके अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग Understand very simple thing since Lama Phera Buddhism is there, okay, more than 2000 years. ठीक है समझ लीजिएगा इस चीज को एंड जापान इज द कंट्री ऑफ बुद्धिज्म ओके द पर्सन हु इन्वेंटेड रेकी उसुई जी ही वॉज अ बुद्धिस्ट अब तो क्लियर है ना ठीक है ना अर्चना जी अर्चना नायडू अनम्यूट कर लीजिए गुड इवनिंग सर
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक ये मेडिटेशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक पोस्चर है या लाइक हाथ की मुद्रा वगैरह कुछ है क्या? एंड कैन वी गेट एन ऑडियो क्लिप फॉर दिस, बिकॉज आई एम टोटली न्यू इनटू दिस, तो मुझे वो फिर याद करने के लिए मंत्रास एंड ऑल विल टेक टाइम, सो उसका ऑडियो क्लिप अगर मिल जाता तो आई कैन. देखो ओके, पहली चीज तो ये है कि आपने जो आज जितना किया ना बस उतना ही करना है, ऑडियो वगैरह की भी जरूरत नहीं है. अभी हो सकता है कि हमारे कोर्स में ऑडियो है तो हमारे एडमिन आप लोगों को भेज ही देंगे. ओके प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. ओके दूसरी चीज, यहाँ पे मंत्र कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो मंत्र कर सकते हो, नहीं चाहो तो मंत्र ना भी करो, उससे फर्क नहीं. बट जिस टाइम पे मंत्र आएगा उसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना, ठीक है ना? हाँ जी मैम बोलिए. नमस्कार. मेरे को कोई रेड कलर नजर नहीं आया है, मतलब कुछ भी मेरे को समझ नहीं आया कि रेड कलर, इनहेल एक्सहेल कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो वाइब्रेशन तो हो रहा था बट रेड कलर आप बोल रहे थे देखिए कोशिश कीजिए, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया. दिस इज कंप्लीटली ओके. अब नेक्स्ट टाइम क्या कर लीजिएगा, जब भी इस मेडिटेशन को करना है सामने ना एक लाल कपड़ा रख दीजिएगा. ओके पहले आंखें बंद करने से पहले लाल कलर को देख लीजिएगा, फिर आंखें बंद कर लीजिएगा. ओके सो दैट विल बी इजीएस्ट वे ओके फॉर यू टू डू इट. सर बोलिए सर. अनम्यूट नहीं करेंगे तो सुनाई नहीं देगा सर. अनम्यूट योरसेल्फ. मनीषा गोपाल. नमस्कार सर जी. मैं दिल्ली से हूँ एंड वन ऑफ माय फ्रेंड प्रीति सोडी, उन्होंने आपका लास्ट सेशन किया था लामा फेरा का. उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया. हम लोगों ने पहले भी एक साथ लामा फेरा किया है बट कभी ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस किया ही नहीं उसे. क्यों नहीं हुआ वो आई डोंट नो कि क्यों रीज़न थे, या मे भी हो सकता है कि आपके थ्रू हो वो स्टार्टिंग होनी थी. इट वाज नाइस कि मैं यहाँ हूँ. मुझे सिर्फ अभी एक जस्ट क्वेश्चन है कि ये जो भी आपने रेड मेडिटेशन हमें कराया है इसका बैक क्या है, मतलब इसको हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारी बॉडी के किस चीज़ के लिए, इन्हांस के लिए या समथिंग कि रूट चक्र इन्हांस हो रहा है या क्या एनर्जी हमें मिल रही है उस चीज़ के लिए, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे. मैंने ना इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए. आई हैड ऑलरेडी गिवन द आंसर. ओके ठीक है ना. शिल्पा जी. Sir, first of all, I really want to say thank you because I think it says that things comes to you when it is the right time. And last 2 days, I was very, very uneasy on certain pressing matters in my life. And today when I did this meditation, it was almost like all the knots dissolved. And I felt so better because last 2 days, I was even not able to breathe because of the stress and tension. So thank you so much. Sir, first of all, to you and to everyone, my sincere apologies. I was out and I came back late. So I was just eating when we started our video. आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी इस चीज का. Secondly, जो एक और मेरे friend ने बोला कि मुझे particularly ऐसे red नहीं नजर आ रहा था, मतलब orange, जो eyes close करके orange color दिखता है, और मेरी बैक में लोअर बैक में बहुत पेन हो रही थी. बट आई गेस और डिस्ट्रैक्शन भी हो रही थी, बार बार बीच में आईज खुल रही थी, कभी ऐसे फिंगर करो वैसे फिंगर करो, ये सब हो रहा था. सो दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल. ओके पहले चीज तो लेट मी अगेन आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव चिल्ड्रन इन योर हाउस? ठीक है ना, आपके घर में बच्चे हैं. ओके क्या आपने कभी जिस दिन ना आपने बच्चे को जन्म दिया और आपने बोला बेटा उड़ जा अब तुझे ना मैराथन में जाना है, विल दे एबल टू डू दैट ऑन द फर्स्ट डे? नो. तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? लगेगा ना टाइम. ओके तो व्हाई डू यू थिंक दैट टुडे इज जस्ट द बिगिनिंग?
तो आज ही आप बिगिनिंग कर रहे हो और मैराथन में आज एक ही दिन में मैराथन में पहुंच जाओगे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? एवरीवन क्लियर ना? ओके सो लेट अस थिंक दैट वे. ओके ज्योति जी अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो. नमस्कार सर. मुझे पूछना था कि मैं 5 बजे मतलब डॉट 5 बजे ऑनलाइन नहीं आ सकती और मैंने मिस भी किया बिकॉज अभी मैं जस्ट जॉब से आई हूँ, तो मतलब मुझे मतलब वो एनर्जी मिल जाएगी ना, मतलब कहना था. There are many people from a different part of the world. Okay, there are many people that cannot join us live. उन लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा. उस वीडियो के माध्यम से आप you can do on your convenient time. Okay, but there are few classes. Okay, those classes के बारे में पहले ही आप लोगों को बोल दिया जाएगा. उस क्लास में those classes cannot be done by the videos. But yes, most of the class can be done. Okay. अटूनमेंट है जो वीडियो के माध्यम से नहीं किया जा सकता. कुछ एक दो क्लासेस की एनर्जी होती है दैट शुड बी डन लाइव, एंड अगर उस पर करके स्पेशल टाइम आएंगे तो हमको पहले ही आप लोगों को बोल देंगे कि दैट क्लास इज गोइंग टू बी. हाँ जी सर. भारत जी. हाँ नमस्कार सर. वो नेट की वजह से थोड़ा वो स्टार्टिंग का रुक गया था मेरा, तो स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया वो मेडिटेशन का. सर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? Well done. So today it is very nice to meet with all of you. आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा. And I hope that this journey, this wonderful journey with you is going to be very fabulous. And this will open the many doors of your life. आप लोगों के life के बहुत सारे doors एक course open कर देगा. Door से ज़्यादा दिमाग के ढक्कन को ये open करेगा, ठीक है ना? वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? एक बार दिमाग के ढक्कन ओपन हो जाती है तो डोर तो ऑटोमेटिकली उसको तो ओपन होना ही है. एंड मैं बुद्ध एंड मैं देवी कास्की कालिका ब्लेस. नमस्ते. थैंक यू सो मच.